अमेरिका ने प्रशांत महासागर में अपने सबसे ताकतवर क्विक सिंक बम की ताकत दुनिया को दिखा दी। इस बम ने 39,000 टन के जहाज को पल भर में तबाह कर समंदर में डुबो दिया। बम की ताकत ने प्रशांत महासागर के दोनों तरफ हलचल मचा दी। युद्ध की स्थिति में ये बम चीनी नौसेना का काल बन जाएगा। प्रशांत महासागर में स्थित हवाई द्वीप के पास अमेरिका और उसके सहयोगियों ने दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास किया है। रिम ऑफ द पैसिफिक 2024 नामक इस अभ्यास की धमक प्रशांत महासागर के दूसरे तरफ एशिया तक पहुंची है। बता दें कि अभ्यास में पहली बार अमेरिका वायुसेना का B-2 बमबर्षक विमान भी शामिल हुआ था, जिसने लंबी दूरी के हथियारों से लैस एक बड़े सतही जहाज को नष्ट करने का अभ्यास किया। अभ्यास के दौरान B-2 बॉम्बर ने गाइडेड बम की मदद से 39,000 टन वजनी जहाज को तबाह कर समुद्र में डुबो दिया। रक्षा विशेषज्ञों ने भविष्य में अमेरिका और चीन के बीच किसी भी संघर्ष के समय इस कामयाबी को बेहद महत्वपूर्ण बताया है। अमेरिकी वायुसेना ने इस बम को क्विक सिंक यानी जल्द डुबोने वाला नाम दिया है। बता दें कि जिस जहाज को डुबोया गया उसका नाम तरावा है। यह एक सेवानिवृत्त 820 फुट लंबा और 39,000 टन वजनी हमलावर जहाज था। यह एक छोटे विमान वाहक पोत के आकार का जहाज था। इस बम के परीक्षण ने साबित कर दिया है कि अमेरिका सेना B-2 स्टील्थ बॉम्बर की मदद से 25,000 टन से ज्यादा वजनी जहाज को डुबो सकती है। अमेरिकी नौसेना ने इस बारे में बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि ये क्षमता समुद्री खतरों को कम से कम लागत पर जल्द बेअसर करने की तत्काल आवश्यकता का जवाब है। वहीं जिस विमान से बम बरसाया गया उसका नाम B-2 बॉम्बर है। यह अमेरिकी सेना का सबसे परिष्कृत विमान है। अमेरिकी वायुसेना के अनुसार ये विमान दुश्मन के भारी सुरक्षा वाले क्षेत्रों में घुसकर बमबारी कर सकता है, साथ ही दुश्मन के रडार पर जल्द नहीं आता है। B-2 के सेंसर को युद्ध के मैदान का तस्वीर बना सकते हैं, जो हम दूरी वाले विमानों में संभव नहीं है। अमेरिकी वायुसेना की वेबसाइट के अनुसार इसमें 2000 पाउंड तक के वारहेड वाले सटीक बमों के साथ जोड़कर टारपीडो जैसी एंटी शिप मारक क्षमता दी जा सकती है। विश्लेषकों का कहना है कि क्विक सिंक के B-2 बॉम्बर से लॉन्च होने के बाद चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में किसी भी संभावित संघर्ष की स्थिति में सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बता दें कि इस इलाके में ही ताइवान, फिलीपींस और जापान के दक्षिणी द्वीप जैसे हॉटस्पॉट शामिल हैं। यूएस पैसिफिक कमांड ज्वाइंट इंटेलिजेंस सेंटर के पूर्व प्रमुख कार्ल शूस्टर ने कहा कि क्विक सिंक बहुत ही खास है। आप ऐसे हथियारों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते जो एक ही बार में 25,000 टन से ज्यादा वजनी जहाज को एक ही बार में डुबो सकता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।